हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का ये एक चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइबर क्या है। फाइबर जो है वो एक पतला सा धागे के जैसा होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें नेचुरली भी मिलता है और उसे हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, कपड़े बनाने के लिए या फिर रस्सियाँ वस्सियाँ बनाने के लिए करते हैं। तो जो फाइबर है वो मैंने बताया कि नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलते हैं, जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुल है, वो सब नेचुरल फाइबर्स हैं। तो देखा जाए तो कॉटन, जूट क्या है, प्लांट्स से मिलते हैं। ये ऐसे नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि प्लांट्स से मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्लांट फाइबर्स। और सिल्क, वुल, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग एनिमल फाइबर। और उसके बाद होता है एक आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है, इसे हम लोग बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, जैसे कि रेयॉन हो गया, नाइलॉन, एक्राइलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनका आविष्कार कब हुआ था, 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फाइबर्स के बारे में बता दिए। और फाइबर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, और कपड़ा से को स्टिच करके बहुत तरह के ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ दिख रहे हैं सम न्यू वर्ड्स, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि फैब्रिक है, फ्लीस है, शियरिंग, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, सिल्क मॉथ, कोकून एंड फाइलेचर। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग कॉटन एंड फ्लैक्स वेर यूज टू मेक क्लोथ्स, देन केम द वुल फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स। लेटर सिल्क वॉज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क कोकून एंड अनवुंड टू सिल्क फाइबर्स। इन द लेट 19th सेंचुरी सिंथेटिक फाइबर्स वेर इन्वेंटेड। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स कंबाइंड विद प्लांट और एनिमल फाइबर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ, वियरिंग एबिलिटी, शाइनिंग, स्मूदनेस एंड अदर क्वालिटीज़। तो बिगिनिंग में पहले कॉटन और फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता था कपड़े बनाने के लिए, लेकिन फिर बाद में एनिमल फाइबर का भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि वुल का, मतलब कि ऊन का। फिर बाद में सिल्क जो है वो उसका भी इस्तेमाल होने लगा। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है ना। और इन और ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, इनको इनके साथ दूसरे मटेरियल्स को मिला के सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। सिंथेटिक फाइबर क्यों बनाया गया, क्योंकि उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था सिंथेटिक फाइबर्स का, और वो ज़्यादा मजबूत होते थे, ज़्यादा शाइन करते थे, स्मूथ थे। तो अच्छी क्वालिटी के लिए सिंथेटिक फाइबर्स का फिर इन्वेंशन हुआ। और ये इन्वेंशन कब हुआ, 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। तो हम लोग इस चैप्टर में एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट फाइबर के बारे में तो क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, जूट और कॉटन के बारे में। अब हम लोग को इस चैप्टर में एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है, वुल और सिल्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वुल के बारे में। वुल फाइबर्स, एनिमल्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड कोल्ड विद द फर ऑन देयर स्किन्स। ह्यूमंस हैव नो सच प्रोटेक्शन। The early men used to protect their bodies by wearing animals' fur. Gradually, men learned to use animal hair for making fabrics and blankets. To make fabrics, only the soft curly hair obtained from various animals were used. It had ability to be spinned as yarn. It was called wool. But human hair have little ability to spin or bind into yarn, so human hair is not wool. पहले क्या होता था, जो एनिमल्स है वो उनका बॉडी कैसा होता है कि उनके बॉडी में बहुत ही फर होता है, बहुत ही हेयर होता है, जिससे कि उनको हीट से और कोल्ड से वो बचे हुए रहते हैं। मतलब गर्मी ठंड से बचाने में कौन हेल्प करता है, उनके बॉडी के हेयर्स। ह्यूमंस में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ह्यूमंस में हेयर्स हैं ह्यूमंस के बॉडी पे, बट वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो हीट और कोल्ड से नहीं बचा सकते हैं। तो जो अर्ली मैन है, जो आदि मानव, जो पहले के मनुष्य थे, वो क्या करते थे, खुद को बचाने के लिए गर्मी से, ठंड से, वो एनिमल के हेयर को यूज़ करते थे।
वो जानवरों के फर को इस्तेमाल करते थे कोट की तरह, और जिससे कि वो बचे रहते थे। बाद में क्या हुआ कि जो ह्यूमंस है वो सीख गए कि एनिमल के जो हेयर है उससे किस तरीके से हम कपड़े बना सकते हैं, किस तरीके से ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। फिर उसका इस्तेमाल करके कपड़े और ब्लैंकेट्स बनाने लगे, जैसे कि जो अभी वुलन क्लोथ्स आते हैं, स्वेटर्स आते हैं, ब्लैंकेट्स आते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? फर से बने हुए होते हैं, बालों से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ होने लगा, उनके फर का इस्तेमाल करके वुलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, ये सब बनाए जाने लगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एनिमल हेयर है वो स्पिन हो सकता है, मतलब कि उसको हम लोग स्पिन करके, स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है, तो स्पिनिंग के द्वारा हम उससे यार्न बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको रोल कर सकते हैं, रोल करके उसको यार्न बना सकते हैं, जिसको कि हम लोग वूल बोलते हैं, जो ऊन है। लेकिन जो ह्यूमन हेयर है उसमें एबिलिटी नहीं होता है कि वो स्पिन हो सके या फिर बाइंड हो सके एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जुड़ सके, जिसके कारण जो है वो ह्यूमन हेयर का इस्तेमाल हम लोग वूल की तरह नहीं कर सकते हैं। क्या ह्यूमन हेयर से कभी भी कोई क्लोथ बन सकता है, स्वेटर बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन एनिमल के फर से, एनिमल के हेयर से बन सकता है, क्योंकि उनमें एबिलिटी होता है कि वो बाइंड हो सके एक दूसरे से, एक दूसरे से जुड़ सके, और इस तरीके से उनको लपेट लपेट के यार्न बनाया जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल करके फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए एनिमल फाइबर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ह्यूमन फाइबर का, ह्यूमन हेयर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड फर। हेयर और फर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ह्यूमंस के बॉडी पे जो हेयर है उसको हम लोग हेयर बोलते हैं, लेकिन अगर एनिमल के बॉडी पे वो हेयर है तो उसको हम लोग फर बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो डिफरेंस ये है कि जो हेयर होता है वो पतला होता है, लेकिन जो फर होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, सिल्की होता है। तो अगर थिक है, सिल्की है, तो ऐसे हेयर को हम लोग बोलते हैं फर, ठीक है। यही अंतर है कि जो हेयर मोटा है और सिल्की है, और जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्लोथ्स बनाने में, फैब्रिक बनाने में, उसे हम लोग बोलेंगे फर, लेकिन जो नॉर्मल हेयर है उसे हेयर ही बोला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हेयर है वो डबल कोट में होता है, जो फर है वो डबल कोट में होता है। इसके बारे में आगे बताते हैं, डबल कोट में कैसे होता है। डबल कोट बोलने का मतलब है कि उसमें दो सतह होते हैं, दो परत, ठीक है। अंदर वाला जो परत रहेगा वो कैसा रहता है? मुलायम रहता है, बहुत ही पतला पतला मुलायम होता है, और जो बाहर वाला जो परत होता है वो थोड़ा लंबा लंबा होता है, मोटा होता है, जो कि अंदर वाले मुलायम पतले वाले परत को प्रोटेक्ट करके रखता है, गार्ड करके रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लोग को पढ़ना है आगे, अब किससे किससे हम लोग को वूल मिलता है। तो बहुत सारे एनिमल्स से वूल मिलता है, उसमें से एक शीप भी है जिससे कि वूल मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से, याक से, कैमल से, रैबिट से, बहुत सारी एनिमल्स से हमें वूल मिलता है। तो अधिकतर हमें शिप के बारे में पढ़ना है। वूल फ्रॉम शिप, द हेयरी कोट ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे कि पहले ही बताया गया कि डबल कोट होता है, मतलब कि दो परत में होता है वूल किसी किसी एनिमल्स में, तो शिप में भी जो ये फर है, हेयर जो है शिप का, वो दो कोट में होता है। और वो कौन कौन से है? फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब कि जो बाहरी का जो लंबा लंबा मोटा मोटा जो हेयर होता है उसे बोलते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, बाहर वाला। द सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज फाउंड क्लोज टू द स्किन, और अंदर वाला जो हेयर होता है जो कि चमड़े के नज़दीक रहता है, स्किन से लगा हुआ जो हेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये दो हो गए, बाहर वाला जो मोटा वाला हेयर है उसे हम लोग कोर्स बियर्ड हेयर बोल रहे हैं, और जो अंदर का हेयर है द सॉफ्ट अंडर हेयर, द जो सॉफ्ट अंडर हेयर है उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वुल बनाने के लिए। ये देखो यहाँ पे एक शिप है, मेरिनो शिप, जिसका जो वुल होता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, ठीक है, बहुत ही फाइन होता है। ये सबसे अच्छा वुल किससे मिलता है? मेरिनो शिप से ही मिलता है। और ये शिप कौन से जगह पे पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है, ये वहाँ की नस्ल है, ठीक है। तो इसका जो फर दिख रहा है बाहर वाला वो कौन सा है? कोर्स
बियर्ड हेयर है, मोटा मोटा बाहर का हेयर है, और उसके अंदर में जो है वो सॉफ्ट अंडर हेयर होता है जिससे कि वूल बनाया जाता है। और ये जो मेरिनो है, यहाँ पे दिख रहा है मेरिनो वर्ड, ये कहाँ की है? स्पेन की एक शिप है जिससे कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वूल मिलता है। ये याद रखना है, फाइनेस्ट वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मेरिनो, अ ब्रीड ऑफ शिप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन। ये कहाँ की है? स्पेन की है। और ये जो वूल है वो कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, बहुत ही मुलायम और हल्का होता है जिससे कि बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए जा सकते हैं। अब ये तो हुआ कि शिप का जो हेयर है वो कैसा होता है और कौन से शिप से अच्छा क्वालिटी का वूल मिलता है। अब है रियरिंग ऑफ शिप। रियरिंग मीन्स होता है किसी भी जानवर को पालना, उसकी देखभाल करना, उसे खिलाना पिलाना, है ना, ये सब हो गया रियरिंग में, पालन पोषण करना। तो शिप का रियरिंग कैसे होगा? उसे खिलाया पिलाया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, है ना। अगर तुम जम्मू कश्मीर साइड में अगर ट्रैवल करो, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन जगहों पे अगर जाओ तो क्या दिखेगा तुम्हें? बहुत सारे जो भेड़ को चढ़ाने वाले लोग हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या बोलते हैं, शेफर्ड बोलते हैं, है ना। शेफर्ड जो है वो भेड़ के झुंड को लेके क्या करता है, जाता है उसे चराने के लिए, घास चराने के लिए। और घास घास क्यों चराने ले जाता है? क्योंकि जो शिप होती है वो हर्बीवोर होती है, ये प्लांट्स को ही खाती है, प्लांट्स को, उनके पत्तों को खाती है। तो इसीलिए जो शेफर्ड्स है ये शिप्स के हर्ड को लेके जाते हैं घास चढ़ाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। और साथ में ये घास के साथ साथ और इन्हें क्या दिया जाता है, बहुत सारे पल्सेस दिए जाते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, है ना, ये सारी चीज़ें खाने में दिए जाते हैं ताकि उन्हें बहुत जो प्रोटीन्स है, जो विटामिन्स है, सारी चीज़ें उन्हें मिल पाए। ठंड के दिनों में क्या किया जाता है, शिप्स को घर के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें खाने के लिए पत्तियाँ, अनाज, चारा, ये सब दिया जाता है ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि अगर ठंड में जो शिप्स है वो बाहर निकलेंगी तो उन्हें उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगा। और अगर वूल चाहिए तो हेल्दी शिप चाहिए, है ना, स्वस्थ शिप रहेगी तभी तो उससे वूल मिल सकता है। तो इसीलिए पूरी तरह से शिप का देखभाल करना पड़ता है, उसका रियरिंग करना पड़ता है। जो शिप है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में रियर की जाती है, पाला पोसा जाता है, जैसे कि यहाँ पे सारा टेबल में दिया हुआ है हमारे इंडियन ब्रीड के बारे में, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, ये सारा इंडियन ब्रीड का दिया हुआ है। इंडियन नस्ल के जो शिप है इसके बारे में, ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, इनसे किस तरह का वूल मिलता है, ये भी दिया हुआ है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे बीच का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में भेड़ों को पाला जाता है, किस लिए? ताकि उनसे ऊन उनसे ऊन मिल सके और ताकि वुलन क्लोथ्स बनाए जा सके। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है। सेलेक्टिव ब्रीड यहाँ पे दिख रहा है ना, एक वर्ड है सेलेक्टिवली ब्रीड। सेलेक्टिवली ब्रीड का मतलब हो गया कि क्या किया जाता है कि जो अच्छे नस्ल के जो भेड़ है, जिनमें जिनके बॉडी में जो सॉफ्ट अंडर हेयर है, मतलब कि अंदर का जो सॉफ्ट वाला जो हेयर है वो, जिनके बॉडी में सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, अच्छे क्वालिटी के हेयर होते हैं, वैसे भेड़ों में ब्रीडिंग करवाया जाता है। ब्रीडिंग मीन्स उन दोनों में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? वो भी अच्छी क्वालिटी वाले ही होंगे, उनमें भी उनके भी बॉडी में कैसे निकलेंगे फर? अच्छी क्वालिटी के फर निकलेंगे जिससे कि अच्छे क्वालिटी के ये बनाए जा सके, वूल बनाया जा सके। तो इसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली ब्रीडिंग, मतलब कि सेलेक्ट करना कि अच्छी नस्ल वाले को ही रिप्रोडक्शन हम लोग करवाएंगे, उनमें ब्रीडिंग करवाएंगे, और उनसे जो बेबी होगा, उनका जो बच्चा होगा वो भी कैसे कैसे नस्ल का होगा, अच्छे नस्ल का होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही अच्छे नस्ल के भेड़ अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास जो वुल है वो भी अच्छे नस्ल का होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा। तो इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इस टेबल में देखते हैं कौन कौन से ब्रीड है। कौन कौन से ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ब्रीड के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में किस नस्ल के भेड़ पाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है उनकी, और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस राज्य में। तो सबसे पहला है लोही,
लोही है एक भेड़ का नाम, उसकी नस्ल का नाम है लोही, और इसके जो वुल होते हैं बहुत गुड क्वालिटी के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के, और कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पे। नेक्स्ट है रायपुर बुशेर। रायपुर बुशेर जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वो उसका जो ऊन होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन फ्लीस मतलब कि उसका कलर कैसा होगा उस ऊन का, ब्राउन फ्लीस मतलब होता है हेयर, ठीक है? तो जो हेयर होगा वो किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का। और ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है? नेक्स्ट है नेल। नेल जो है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है, और उसके ऊन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कारपेट बनाने में। जो कारपेट बनता है वो किस ऊन से बनता है? तो ये नेल जो ब्रीड है ये इसी भेड़ के फर से बनता है कारपेट, वुल। और ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट है बखरवाल। बखरवाल नस्ल के भेड़ के ऊन का इस्तेमाल शॉल्स बनाने के लिए किया जाता है, जो शॉल ओढ़ा जाता है, वुलन शॉल। और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मारवाड़ी। ये कोर्स वुल के लिए होता है, जो सिंपल जो हम लोग वुल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट है पटनवड़ी। पटनवड़ी क्वालिटी नस्ल का जो भेड़ है उसके बालों का इस्तेमाल किया जाता है हौजरी बनाने के लिए, जैसे कि सॉक्स हो गया, मोजा हो गया, लेगिंग्स हो गया, ये सब जो जिस ऊन से बनते हैं वो किस भेड़ के ऊन से बनते हैं? पटनवाड़ी, ठीक है? और ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। तो ये पूरा टेबल याद रखना है कि कौन से ब्रीड जो है उसका उसके फर का इस्तेमाल किस तरह का वूल बनाने में किया जाता है, और वो किस स्टेट में पाया जाता है, ये याद रखना ज़रूरी है। ये टेबल पूरा याद करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, और याद रखना कि जो वुल हम लोग जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं वो सब सब शिप से ही बने हुए होते हैं, शिप के वुल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अराउंड द वर्ल्ड शिप आर रेयर्ड इन कंट्रीज रेंजिंग फ्रॉम हॉट डिजर्ट रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड द मिडल ईस्ट टू द कोल्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थर्न यूरोप, रशिया, आइसलैंड एंड साउदर्न अमेरिका। पूरे वर्ल्ड में जो है शिप को रियर किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, जैसे कि बहुत गर्म जगह, गर्म रेगिस्तान वाले जगह, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड मिडल ईस्ट, ये सब जो जगह है बहुत ही गर्म जगह है, यहाँ पे भी शिप जो है उनका पालन पोषण होता है, उनका रियरिंग होता है। साथ ही बहुत ठंडे देश जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप, रशिया, आइसलैंड एंड साउदर्न अमेरिका, ये ठंडे जगहों, यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, यहाँ भी शिप का रियरिंग होता है। द बेस्ट वुल कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल वुल सेक्रेटरेट IWS मेंबर कंट्रीज, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे। जो सबसे अच्छा ऊन जो है वो कहाँ से हमें मिलता है? इंटरनेशनल वुल सेक्रेटरेट, ठीक है, IWS। IWS मेंबर, IWS एक संस्था है जिसके मेंबर है कुछ कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है इसके मेंबर? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उरुग्वे। मतलब कि इन कंट्रीज से ही सबसे अच्छा ऊन हमें मिलता है। तो ये याद रखना, IWS का फुल फॉर्म याद रखना, इसके मेंबर्स कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे, ये सब लर्न करने की ज़रूरत है। अब तो शिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि शिप जो है उसमें किस तरह के वुल पाए जाते हैं, है ना, और रियरिंग कैसा होता है, इसके पालन पोषण कैसा होता है, और इसके कुछ ब्रीड्स के बारे में हम लोग पढ़े कि इंडिया में इसकी कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। अब पढ़ना है कि कुछ दूसरे जानवरों के बारे में जिनसे कि हमें ऊन मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है गोट, दिख रहा है कैमल, दिख रहा है रैबिट, दिख रहा है ना, तो इन सब से भी हमें वुल मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंगोरा गोट के बारे में, सॉरी कश्मीरी गोट के बारे में। ये कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट जो है वो उससे हमें क्या मिलता है? कश्मीरी फाइबर मिलता है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इससे गर्माहट बहुत मिलती है। इसके ऊन को ऊन से बना हुआ अगर हम लोग क्लोथ पहनते हैं तो ठंड कम लगेगी, गर्माहट बहुत होती है इसमें। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हाई प्लेटीज ऑफ एशिया में। ये एशिया के ऊंची पठारों वाले इलाके में ये पाया जाता है कश्मीरी गोट। नेक्स्ट है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट जो है वो टर्की में पाया जाता है, ठीक है, टर्की कंट्री में। और इससे जो हमें वुल मिलता है, जो फाइबर मिलता है, इसका नाम है मोहैर। तो याद रखना कि मोहैर जो है वो किससे मिलता है? हमें अंगोरा गोट से। मोहैर जो है
उसका इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर्स बनाने में, स्पेशली लेडीज़ के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोहैर है वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो वूल की जैसा होता है, मतलब केमिकली अगर देखा जाए तो वो वूल के जैसा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उससे गर्माहट भी बहुत अधिक मिलती है, मजबूत होता है, हल्का होता है, जिसके कारण लेडीज़ स्वेटर्स बनाने में ज़्यादा इसको प्रिफर किया जाता है। इससे लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ के लिए स्वेटर्स ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और साथ ही इससे कवरिंग्स भी बनाए जाते हैं फर्नीचर्स के लिए, मतलब कि घर में अगर फर्नीचर का सामान है तो उसको कवर करने के लिए जो हम लोग डेकोरेटिव जो क्लोथ्स यूज़ करते हैं, तो उसका भी, उसके लिए भी मोहेयर के वुल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अंगोरा रैबिट। देखो, रैबिट से भी हमें फाइबर मिलता है। तो अंगोरा रैबिट जो है उसका जो वुल होता है बहुत ही फाइन होता है ना, बहुत ही अच्छा किस्म का होता है। और ये भी कहाँ पाया जाता है? टर्की में पाया जाता है। लेकिन जो रैबिट है वो तो बहुत छोटा होता है, तो इससे जो वुल है वो भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। एक रैबिट से बहुत कम मात्रा में वुल मिलेगा, इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको दूसरे फाइबर्स के साथ, दूसरे रेशों के साथ मिला के बनाया जाता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए दूसरे के साथ मिला के इसको बनाया जाता है, और फिर इसको इससे कपड़े बना के इससे बेचा जाता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब नेक्स्ट है कैमल के बारे में। कैमल से भी हमें वुल मिलता है। तो जो कैमल है उसके भी जो हेयर हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं, अच्छे किस्म के होते हैं। तो जो रियान कैमल है उससे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वुल मिलता है, बेस्ट क्वालिटी वुल। रियान, देखो RIAN, रियान दिख रहा है ना, ये जो कैमल है इसमें दो हम्प है, ये जो ऊपर दिख रहा है जिसको कि हम लोग कूबड़ बोलते हैं, दो हम्प वाला ये कैमल होता है। इसका जो वुल होता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वुल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? सिबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना में। दे आर टू हम्प्ड कैमल्स फाउंड इन सिबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। ये सिबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना में पाया जाता है। याद रखना ये टू हम्प्ड होता है, इसमें दो हम्प होते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है ना, दो हम्प है। और साथ ही और भी कैमल्स है, जैसे कि अल्पाका एंड लियामा, ये भी जो है वो कैमल फैमिली के भी ही होते हैं, जैसे कि ये कैमल है, लियामा है, और साथ ही अल्पाका जो है वो भी कैमल ही होता है। और इनके भी जो वूल होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और लस्चरस होते हैं, मीन्स चमकदार होते हैं, और लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए कि किस किस जानवर से कौन सा वुल हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट है वुल प्रोडक्शन। वुल का प्रोडक्शन कैसे होता है? द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द वुल प्रोडक्शन आर, वुल के, ऊन के उत्पादन में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में फोर प्रोसेसेस के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट है शियरिंग, सेकंड है स्कॉरिंग, थर्ड है शॉर्टिंग, फोर्थ है डाइंग। तो फर्स्ट हम लोग शियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। शियरिंग के बारे में पढ़ने से पहले फ्लीस क्या है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, फ्लीस मतलब कि जो एनिमल है उसका जो हेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लीस। ठीक है, तो शियरिंग क्या प्रोसेस है? शियरिंग में क्या किया जाता है कि जैसे कि ये जो दिख रहा है शिप, इसका शियरिंग हो रहा है, मतलब कि इसका जो बाल है, इसका जो फ्लीस है, उसको इसके बॉडी से निकाला जा रहा है, मूव किया, इसको रिमूव किया जा रहा है। जैसे कि किस तरीके से ट्रिमर से हेयर स्टाइल किया जाता है, बालों को काटा जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पे बाल कटिंग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो हेयर है वो उस भेड़ के पूरे बॉडी से निकाल दिया जा रहा है, और उस हेयर के साथ स्किन का पतला सा, स्किन का भी पार्ट निकल जाता है, पतला सा चमड़ा जो है वो भी निकल जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, पूरी तरह से इसके बॉडी से जितने भी इसके बॉडी पे हेयर हैं सबको निकाल दिया जा रहा है, जितने भी फ्लीस हैं उसको निकाल दिया जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं शियरिंग। ठीक है, मतलब कि फ्लीस को एनिमल के बॉडी से रिमूव कर देना, यही प्रोसेस कहलाता है शियरिंग। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। और इसमें मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बार्बर नाई जिस मशीन्स का इस्तेमाल करता है बाल को शेव करने के लिए, उसी तरीके से
मशीन्स का इस्तेमाल करके भेड़ के भी बॉडी से फ्लीस को निकाल दिया जाता है। ठीक है, फ्लीस को निकालने के बाद क्या होता है, स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग द शियर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउ अडेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन्स। स्कोरिंग मीन्स साफ सफाई, मतलब कि जो भी उसका जो स्किन निकाला गया है, साथ में जो उसका हेयर है, सबको अच्छे से वॉश किया जाता है, धोया जाता है टैंक में, बड़े बड़े टैंक्स में, ताकि उसमें से जो भी ग्रीस रहे या फिर डस्ट रहे या डर्ट रहे, जो भी रहे कचरा, वो निकल जाए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कॉरिंग। और आजकल जो स्कॉरिंग है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। थर्ड प्रोसेस है शॉर्टिंग। आफ्टर स्कॉरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। शॉर्टिंग का मतलब होता है छाटना। तो जब साफ सफाई हो जाती है हेयर की, तो जो हेयर है उसको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में जाने के बाद जो हेयर है उसको, उसकी छटाई की जाती है, मतलब कि जो अलग अलग टेक्सचर के, मतलब अलग अच्छे क्वालिटी वाले हेयर को अलग कर लिया जाता है, और जो उतनी अच्छी क्वालिटी के हेयर नहीं है उनको अलग किया जाता है। ठीक है, उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, छाटा जाता है। फोर्थ है डाइंग। सिंस द नेचुरल कलर ऑफ द शीप्स और गोट हेयर इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक, द शियर्ड वूल इज डाइड इन डिफरेंट कलर्स। अब डाइंग किया जाता है, मतलब कि उसको रंगा जाता है, उसकी रंगाई की जाती है। जो नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक कलर शिप के हेयर का क्या होता है, वाइट होता है, या तो ब्राउन होता है या तो ब्लैक होता है। लेकिन हम लोग जो वुल जो इस्तेमाल करते हैं, जो ऊन का इस्तेमाल, वो अलग अलग कलर्स में होता है। तो अलग अलग कलर्स में कैसे होता है, उसको डाई किया हुआ रहता है, उसको कलरिंग किया रहता है। तो डाइंग में यही होता है कि जो वुल के जो हेयर्स है उसको फिर डाई करके अलग अलग कलर्स दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, तो फोर प्रोसेसेस हो गए ये, किस तरीके से जो वूल है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहला शेयरिंग, उसके बॉडी से बालों को हटा लेंगे, फ्लीस को हटा लेंगे, उसके बाद स्कॉरिंग करेंगे, उसकी साफ़ सफाई करेंगे, फिर शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग मीन्स अच्छे क्वालिटी वाले हेयर को अलग करेंगे, और जो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, छोटे छोटे हैं, उनको अलग करेंगे। उसके बाद अलग करने के बाद उनको डाई करेंगे। ठीक है, फिर है, अब नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या प्रोसेस होता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इन टू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुबेन इन टू वुलन क्लोथ। स्पिनिंग मतलब कि उनको घुमाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हेयर, जो फाइबर्स है उनको स्ट्रेट किया जाता है, उसको सीधा किया जाता है, उनको कॉम किया जाता है, कंघी की मदद से उनको अच्छे से सुलझाया जाता है, ताकि वो उलझे हुए ना हो, उनको स्ट्रेट किया जाता है। और साथ में उनको लपेट करके यार्न बनाया जाता है, ऐसे बड़े बड़े गोले टाइप के, जैसे ऊन के गोले होते हैं उस तरह का बनाया जाता है। और जो लंबे वाले फाइबर्स होते हैं उन, उससे क्या बनाया जाता है, स्वेटर्स के लिए बनाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको फिर वुलन क्लोथ्स के लिए, सूती, सॉरी सूती नहीं, ऊनी कपड़ों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लंबे वाले फाइबर्स को रख देते हैं ऊन बना के, जिसका इस्तेमाल स्वेटर्स के लिए होगा, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे ऊनी कपड़े बना दिए जाते हैं, वुलन क्लोथ्स। नेक्स्ट है वीविंग। तो यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ वूल हो रहा है, उसको लपेटा जा रहा है, ठीक है, स्पिनिंग किया जा रहा है, और यहाँ पे वीविंग हो रहा है, उसकी बुनाई हो रही है ऊन की। विद द हेल्प ऑफ वीविंग मशीन द पीसेज ऑफ यार्न गेट इंटरलॉक्ड एट राइट एंगल टू वन अनदर, द वुवन क्लोथ्स अंडर गो फिनिशिंग, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग। अब क्या जाता है, वीविंग में उनकी बुनाई होती है मशीन्स की मदद से, ये वीविंग मशीन है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, ऊन को राइट एंगल पे रखा जाता है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना के एक दूसरे के सामने रखा जाता है, और उनको फिर उनको बुना जाता है। ठीक है, और जो कपड़े बुन के आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कपड़े जो यहाँ से बुन के निकलेंगे, फिर उनको फिनिशिंग टच दिया जाता है, बहुत तरह के, अगर प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग होगा उस पर, कलर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के होंगे, है ना, तो उनका फिनिशिंग फिर किया जाता है। तो ये हो गया पूरा वुल के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ना है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, मतलब कि इस ऑक्यूपेशन में, इस पेशा में बहुत सारा नुकसान भी है। वो नुकसान कैसे हैं, वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियम एंथ्रैक्स विच कॉजेज अ
फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। जैसे कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का मतलब ही होता है कि वो जो पेशा है, अगर उसमें कोई काम कर रहा है तो उसको किसी तरह की बीमारी हो जाना, नुकसान हो जाना, इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो ये जो ऊन बनाने का जो पेशा है, जो ऑक्यूपेशन है, इसमें भी बीमारियाँ होती है। कब होती है? शॉर्टिंग के टाइम, जब उनकी छटाई होती है बालों की। वो प्रोसेस जो हम लोग पढ़े थे वुल प्रोडक्शन वाला प्रोसेस में, जो थर्ड प्रोसेस था वो था शॉर्टिंग, मतलब कि बालों की छटाई। तो बालों की जब छटाई होती है उस समय जो शॉर्टर्स होते हैं, जो छाटने वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे दिख रहा है एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया, उसके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जो शिप्स हैं उनके बॉडी पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हो सकता है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया अगर होगा तो जो शॉर्टर्स है, जो बालों की छटनी कर रहे हैं, तो अगर वो उनको एंथ्रेक्स बैक्टीरिया अगर उनके बॉडी में चला गया तो उनको डिजीज़ हो जाएगा। और वो जो डिजीज़ होता है उसका नाम क्या है? शॉर्टर्स डिजीज़, है ना? क्योंकि ये शॉर्टर्स छाटने वाला काम के समय होता है, शॉर्टिंग के टाइम, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम क्या दिया गया है? शॉर्टर्स डिजीज़। तो ये याद रखना कि शॉर्टर्स डिजीज़ किस ऑक्यूपेशन में होता है, तो वो वुल प्रोडक्शन वाले ऑक्यूपेशन में होता है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये एंथ्रेक्स के कारण होता है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ऑक्यूपेशन के कारण होने वाला नुकसान। अब नेक्स्ट टॉपिक है वुल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वुल प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन है जो अच्छा, मतलब कि ज़्यादा वुल प्रोडक्शन करता है। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया इज़ एट द टॉप इन द वुल प्रोडक्शन। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे टॉप पे है, सबसे अधिक वहाँ पे वुल प्रोडक्शन होता है। और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? लगभग 29% ऑफ द टोटल वुल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में जितना भी वुल प्रोड्यूस होता है उसका 29% सिर्फ कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? रशिया है, न्यूजीलैंड है, चाइना है, अर्जेंटीना है, ये सारे भी कंट्रीज़ में वुल बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इंडिया में भी होता है, इंडिया में शिप जो है, भेड़ जो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ऊन प्रोडक्शन के लिए। और ये जो शिप है कहाँ कहाँ रियर होते हैं? हिमालयन रीजन में, हिमालय वाले रीजन में, है ना? विच इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इन सब जगहों पे जो है वो भेड़ों का रियरिंग होता है, उनका पालन पोषण किया जाता है और उनसे ऊन बनाया जाता है, ठीक है? अब लास्ट है वुल वाले टॉपिक का क्वालिटी मार्क्स ऑन वुलन क्लोथ्स। जो वुलन क्लोथ्स हैं, ऊनी कपड़े हैं, उनमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे क्वालिटी के हैं, ख़राब क्वालिटी के हैं? तो इसके लिए एक मार्क दिया जाता है, एक निशान दिया जाता है। द बेस्ट क्वालिटी वुलन बियर्स अ ट्रेड मार्क वुल मार्क, ठीक है? उनके ऊपर एक मार्क दिया जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वुल मार्क। ये देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है, वुल के डिज़ाइन का है, नीचे में लिखा रहता है वुल मार्क। इट मेक्स श्योर दैट द फैब्रिक ऑफ और गारमेंट्स बियरिंग दिस मार्क आर मेड फ्रॉम फ्रेश प्योर वुल एंड नॉट अ ट्रेस ऑफ यूज्ड और अदर फाइबर एग्जिस्ट इन इट। द परमिशन टू यूज दिस ट्रेड मार्क इज गिवन बाई द इंटरनेशनल वुड सेक्रेटरेट लाइकली नॉर्थ यॉर्कशायर UK After passing and maintaining several standards under constant inspection by the secretariat। और अगर कोई चाहता है कि उसके वुल को ये वुल मार्क मिले, है ना, अगर ये वुल मार्क मिलेगा तभी तो उसका जो वुल है, जो ऊन है, वो अच्छे क्वालिटी का कहलाएगा। तो उसको किससे परमिशन लेना होता है? ये इंटरनेशनल वुल सेक्रेटरीट IWS से परमिशन लेना होता है, ठीक है? और ऐसे परमिशन नहीं मिलता, उसको बहुत सारे इंस्पेक्शन वो करता है, देखता है कि जो ऊन इस कंपनी ने बनाया है वो कैसा है, कैसा नहीं है, बहुत सारा जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को ये ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है? और अगर किसी कंपनी को मिल गया ये ट्रेडमार्क, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो ऊन, ये जो क्लोथ बना हुआ है, जो कपड़ा बना हुआ है वुलन क्लोथ, ये अच्छे क्वालिटी के ऊन से बना हुआ है और एकदम प्योर ऊन से बना हुआ है, फ्रेश ऊन से, ताजे ऊन से, ये नहीं कि पुराने किसी भी कपड़े ऊन से बना दिया गया, ऐसा नहीं, फ्रेश ऊन से बना हुआ है। यही सब मतलब कि पहचान बताता है ये वुल मार्क कि हाँ ये अच्छे क्वालिटी का वुल है। तो अगर किसी भी वुलन क्लोथ में अगर ये ट्रेडमार्क दिखे वुल मार्क का, तो समझ जाना चाहिए कि वो जो क्लोथ है वो अच्छे क्वालिटी के ऊन से बना हुआ है। तो ये ख़त्म हो गया वुल के बारे में।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इतना तुम लोग अच्छे से रिवाइज करते रहो।